चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्प के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही मिट्टी और धुएं के प्रकाशित होने के काल में भी चैतन्य ज्योति का दर्शन होता है। उत्पाद और व्यय के काल में भी ध्रुव ज्ञायक देव पर दृष्टि बनी रहती है। मिट्टी से बना हुआ मटका जैसे नीचे गिरे और फूट जाए और ठिकरे हो जाए, बैर बिखेर हो जाए, उस समय भी मिट्टी बैर बिखेर नहीं हुई, मिट्टी नष्ट नहीं हुई, मिट्टी का व्यय नहीं हुआ। मटका मिट सकता है, मिट्टी मिट नहीं सकती। जब घड़े में से ठिकरे होने पर मिट्टी भी नहीं मिट सकती, तो मिट्टी से अत्यंत दूर ऐसा जो हीरा है वो चमकता हुआ हीरा कैसे मिटेगा? मटका मिट जाए मगर मिट्टी न मिटे और मिट्टी भी न मिटे तो हीरा कैसे मिटे? सम्यक दृष्टि को यह जागृति कि मृत्यु होने पर यह देह के परमाणु बैर बिखेर हो मगर परमाणु नष्ट नहीं होते। ये परमाणु इस पृथ्वी के हैं और पृथ्वी पर ही रहते हैं। जड़ परमाणु अपनी जड़ता को छोड़ते नहीं है। हवा की भांति ज्ञानी इस देह के परमाणुओं को देखते हैं, इसलिए तो सांस का भीतर जाना और बाहर आना ये ज्ञानी को दिखाई ही नहीं देता। ये नहीं दिखाई देता कि सांस भीतर गई है, क्योंकि भीतर और बाहर का हिसाब कैसा? जहां चैतन्य पना है, उस चैतन्य पने के बाहर जहां पर भी फैलाव है, बस वो मेरा फैलाव नहीं। मिठास के बाहर कहीं पर भी फैलाव हो, वो फैलाव फिर थैली का हो या फिर डिब्बे का हो या फिर दीवार का हो या फिर दुकान का हो, वो फैलाव कहीं का भी हो, मिठास के बाहर गुड़ का कहीं फैलाव है ही नहीं। ये जागृति की चैतन्य के अतिरिक्त मेरा कहीं फैलाव नहीं, और इसलिए ज्ञानी सदैव अपने को अपने में ही पाता है, स्वयं को स्वयं रूप ही अनुभव करता है। ज्योति का अस्तित्व, यह जागृति चैतन्य ज्योति का अस्तित्व, जलता हुआ दिया जैसे हो और दिए से दीपक की ज्योति से जो वस्तु प्रकाशित तो होती है, एक कमरा प्रकाशित तो हो रहा है और उस दीपक की ज्योति को एक कमरे में से दूसरे कमरे में लेकर गए, तो पहला जो कमरा है उस कमरे में मैं वहां अंधेरा हो जाएगा और दूसरे कमरे में अब रोशनी होगी। पहले कमरे में अंधेरा हुआ, वहां रोशनी न रही। महिमा उस कमरे की नहीं, जैसे ही हम कमरे को देखते ये महिमा आती है कि कमरा कितना चमकदार है, कितना प्रकाशित है। कमरा प्रकाशित है ही नहीं, प्रकाशित तो वह ज्योति है।
इसलिए एक शरीर में से आत्मा जब दूसरे शरीर में जाता है, अभी ये शरीर की महिमा आती है, शरीर के गुणगान गाते हैं कि ये शरीर कितना सुंदर है, मगर जब आत्मा इस शरीर में से बाहर निकलकर दूसरे शरीर में जाता है, तब इस शरीर में, इस कमरे में अंधेरा हो जाता है। और खास बात कि जिस समय इस शरीर में अभी आत्मा है, उस समय भी वो जो प्रकाश है, वह जो रोशनी है, वह जो ज्योति है, वह भी देह की नहीं है, वह भी चैतन्य की ही ज्योति है। एक कमरे में अंधेरा हो गया, दूसरा कमरा प्रकाशित हो गया, मगर ज्योति अपने से दूर कहां गई? जब पहले कमरे में भी वो ज्योति थी, उस ज्योति को कमरे से कोई रिश्ता नहीं था, उसका मात्र जलना, उस ज्योति में कोई भी विकल्प नहीं कि कौन सा कमरा है, मैं किस कमरे में हूं और किस कमरे में जा रही हूं, या फिर मैं किस कमरे में हूं और किस कमरे में से यहां आई हूं, कोई विकल्प नहीं, ज्योति का अस्तित्व मात्र। तुम चैतन्य तत्व का उस प्रकार से चिंतन करो कि चिंतन करते करते मात्र ज्ञान की ज्योति की ऐसी अनुभूति हो कि जहां भूतकाल का और भविष्यकाल का और वर्तमान काल का ये त्रिकाल, ये जो देह के परमाणु का कमरे का विकल्प ही न रहे, तब फिर देह तो रहेगा। ज्योति कभी ये नहीं कहती कि ये मकान गिर जाए, ज्योति कभी ये भी नहीं कहती कि ये मकान गिरता हुआ बच जाए, ज्योति मात्र है। और ज्ञानी को प्रत्येक क्रिया के काल में यह जागृति है। उड़ती हुई धूल और रजकण की भांति ज्योति प्रकाशित होती, मगर ज्योति प्रकाशित होती है वहां जो रजकण है उस रजकण को रोकती नहीं है। जब दिया जलता है तब धुआं कितना उड़ता है, मगर उड़ते धुएं से उस जलती ज्योति का क्या संबंध है? जलती ज्योति यदि धुएंमयी हो जाए तो वो ज्योति ज्योति ही न रहे, अंधेरा हो जाए, या फिर अंधेरा वहां है वो अंधेरा भी अंधेरे के कारण है, वहां चैतन्य ज्योति है ही नहीं। ज्ञानी को राग और द्वेष के भाव ये अंधेरे जैसे दिखते हैं, धुएं जैसे दिखते हैं, और जिसमें अपना फैलाव नहीं दिखता। प्रत्येक क्रिया में जागृति, कोई भी क्रिया हो उस क्रिया के काल में जागृति। यदि सब्जी काट रहे, यदि खाना पका रहे, खाना खा रहे, चल रहे, बोल रहे, जो भी देह की क्रिया हो उस क्रिया के काल में ये जागृति की ज्योति से जो मिट्टी प्रकाशित होती है, विशेषों में न जाए कि यह हाथ हिला, हाथ से अभी मिर्ची उठाई, सब्जी उठाई, हाथ नहीं, मात्र चैतन्य ज्योति से मिट्टी मात्र, वो कैसी भी अवस्था होगी, मिट्टी मात्र ये दिखाई दे। मटके को मत देखो और ठिकरे को भी मत देखो, मात्र मिट्टी को देखो और इस देह के परमाणु को मात्र परमाणु के रूप में देखो, और ये देखो कि चैतन्य ज्योति से ये प्रकाशित होते हैं, मगर ज्योति इस मिट्टी में मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, इसलिए बिछड़गी ऐसा विकल्प भी आता नहीं है। जहां मिलना हो वहां फिर अलग होना हो, जहां शादी हो वहां फिर तलाक हो, यहां तो मिलना ही नहीं हुआ, फिर बिछुड़ना कैसा है? इसलिए जब आत्मा की अनुभूति होकर के जब मुक्ति का अनुभव होता है, तब देह से बाहर निकलता नहीं है, उस स्वरूप का अनुभव होता है कि जिस स्वरूप में ये देह कभी मिला ही नहीं था। मैंने अनंत जन्म लिए और अनंत बार मरण किया, ऐसा विकल्प ही नहीं आता, वो सदैव उस स्वरूप का अनुभव है। एक थैली में से दूसरी थैली में, तीसरी थैली में ये गुड़ गया है, कितनी ही थैली को बदल करके गुड़ यहां तक पहुंचा, मगर जिस समय गुड़ को लिया और जीभ पर रखा, चखा, उस समय ये विकल्प ही नहीं है कि कितनी थैली में से वो घूम करके भटक करके ये गुड़ आया है। जीभ पर जब वो गुड़ आया तब ऐसा ही अनुभव हुआ कि मीठा है, न वर्तमान की थैली न भूतकाल की थैली। जब चैतन्य स्वरूप अनुभव में आता है, उस अनुभव के काल में अनंत देह धारण करने पर भी एक भी देह का विकल्प नहीं रहता,
ऐसी जो चैतन्य तत्व की अनुभूति होने पर फिर अनंत काल के लिए देह हो, दुनिया ये देखे कि शरीरधारी ज्ञानी, मगर वे जहां अनुभव करते हैं वहां पर ज्ञान के बाहर अपने को वे कहीं देखते ही नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य, तभी तो निर्विकल्प हो जाते हैं, तभी तो फासला मिट जाता है। ज्योति प्रकाशित तो हो रही है, ज्योति से प्रकाशित तो हो रही है, ज्योति का ही अनुभव हो रहा है। वहां दो का भेद नहीं रहा, आंख देखने वाली और दिखाई दे रहा है कुछ दूसरा, दीवार दिखाई रही है और देखने वाली आंख है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। दिखाई देने वाला दृश्य और देखने वाला दृष्टा, ये अलग अलग हो गए। जब अंतर में चैतन्य अनुभव में आता है तो दृष्टा भी वही है और दृश्य भी वही है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के भेद का विकल्प ही नहीं रहता, उसको कहते हैं एब्सेंट हो जाना। और वह देह में रह करके देह में से गायब होने की कला, दुनिया इसको तो पहचान लेती है कि शरीर में से आत्मा निकल गया और वह मुर्दा अभी है। आत्मा निकलने के बाद में अकेला मुर्दा पड़ा है, दुनिया ये तो पहचान लेती है। मगर ज्ञानी का आत्मा देह के योग में रह करके भी वो देह में नहीं, ये पहचान नहीं कर पाती। इसलिए क्योंकि स्वयं को ही जब चैतन्य तत्व अनुभव में न आया हो, ये कैसे पता चले? एक समय में जाने ज्ञेय अनजाने हो जाते हैं, उसका ही अभ्यास है, उसकी ही यह पूर्व तैयारी है कि जाने ज्ञेय अनजाने हो, उसकी पूर्व तैयारी है। कुछ भी बाहर का याद नहीं, जैसे बोर्ड के ऊपर लिखा हो ना, ऐसा लिखा हो कि मैं अभी जम्मू में रहता हूं, मेरा नाम यह है, मेरे घर का पता यह है, मेरे ये रिश्तेदार है, इतनी सारी बातें लिखी गई है। मगर वहां एक डस्टर लिया और डस्टर को जैसे ही आप घुमाओ कि सब साफ हो गया, और फिर ढूंढने जाओ कि कहां गया वो लिखा हुआ, कुछ नहीं। दर्पण के ऊपर जैसे धूल लग गई हो और धूल के सब दृश्य वहां पर हो, पहले दिखाई देता कि दर्पण कैसा है कि धूल वाला, दर्पण पर ऐसे धब्बे हैं, ऐसे दाग है कि दाग वाला दर्पण। मगर जैसे ही वो धूल हटी तो दिखाई देता है कि दर्पण के अंदर वो धूल गई ही नहीं थी। वो राग और द्वेष के कितने भी विकार हुए, मगर वो विकार चैतन्य स्वरूप में गए ही नहीं। और महत्वपूर्ण बात यह कि जब धूल हटती है उस समय दर्पण साफ नहीं होता, धूल होती है उस समय भी दर्पण साफ है, क्योंकि अंदर घुस गई थी धूल और बाहर निकली, ऐसा नहीं, बाहर ही थी और बाहर ही रह सकती है, वो भीतर जा ही नहीं सकती। चैतन्य तत्व की दृष्टि होते ही ये विकल्प और राग द्वेष के भाव जिस स्वरूप में गए ही नहीं, ये चैतन्य ऐसा अनुभव में आता है। त्रिकाल शुद्ध ज्ञायते, इसलिए भेद नहीं दिखता कि जब मेरा मोक्ष होगा तब राग द्वेष छूट जाएंगे, ये नहीं दिखता। अभी ये दिखता है कि राग और द्वेष का भाव, दर्पण पर से वो धूल हट जाएगी ये नहीं दिखता, दर्पण का स्वभाव मात्र दिखता है। और इसी का अभ्यास, ये प्रयोग, जाने ज्ञेय अनजाने हो जाए उससे पहले ये कला, जाने ज्ञेय अनजाने हो जाए, थोड़ा तुम्हें कठिन लगे मगर कठिन नहीं है, प्रयोग करके ये हो सकता है। ये प्रयोग करके ये तुम अनुभव कर सकते हो कि जो भी जाना है अब अनजाना हो जाए। मैं कहता हूं मेरे पैर के ऊपर 5 रुपये का रुमाल रखा है और वो नीचे गिर गया, अभी पता था कि 5 रुपये का रुमाल है, वो नीचे गिर गया, मैं ढूंढ रहा हूं कहां गया कहां गया, मिल नहीं रहा। उस समय कैसा भाव आता है, एक 5 रुपये की पेन भी खो जाए ये कहां गई होगी, एक 10 रुपये की नोट भी आपके हाथ में थी और गिर गई पंखे की हवा के कारण, सोफा के नीचे चली गई,
मगर फिर भी उसके पीछे भागते कैसे पकड़ने के लिए, पता है कहीं बाहर नहीं जाने वाली, फिर भी उसकी पकड़ कैसी। उसका विचार करे कि वो जो रुमाल अनजाना हो गया कहां गया, और फिर मिल गया 5 सेकंड के बाद में। मगर 5 सेकंड के लिए भाव कैसे हुए कि कहां गया वो भाव। दूसरों की जब मृत्यु होती है, पिता की मृत्यु होती है तो पिता के साथ रिश्ता टूट गया, मां की मृत्यु होती है तो मां के साथ रिश्ता टूट गया, भाई की मृत्यु होती है तो भाई के साथ रिश्ता टूट गया। मगर जब अपनी मृत्यु होती है तब मां बाप भाई बहन एक साथ सब रिश्ते टूटते हैं। दूसरे की मृत्यु में तो एक ही रिश्ता टूटता है, अपनी मृत्यु में सब रिश्ते टूटते हैं, और रिश्ते ही नहीं ये सब जड़ वस्तु के साथ भी संबंध टूट जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1 5 रुपये का रुमाल जब नोन टू अननोन होता है, और उसका मोह है अभी कि मेरा रुमाल, और तब कितनी पीड़ा होती है तुमने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि मृत्यु होने के काल में वो कितनी वेदना होती है। बोल नहीं पाता कि सब कुछ छूटा जा रहा है जिसको जीवन भर इकट्ठा करके जोड़ा था, और सब अनजाना। एक रुमाल अनजाना हुआ तो ये हाल, और वो तो 5 मिनट के बाद 5 सेकंड के बाद फिर मिल भी गया। यहां तो वो गया सो गया, फिर वापिस यहां आता नहीं, मगर वहां पीड़ा में पीड़ित होता है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी, ये सब रिश्ते टूटने थे, ये सब वस्तु जाने से अनजानी होनी थी, उससे पहले ही अपने स्वरूप में इतने लीन हुए हैं कि अब उनके लिए नया कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। अर्थात जब ज्योति इस कमरे में भी थी तब मुझे दीवार नहीं दिखाई देती थी, ज्योति दिखाई देती थी। फिर दूसरे कमरे में गई तो भी मुझे ज्योति दिखाई देती, मेरे लिए कुछ नया नहीं हो रहा। दुनिया ये देखेगी कि एक कमरे में से दूसरे कमरे में, मगर मेरे लिए तो ज्योति का दर्शन, ज्योति का दर्शन। और ऐसा दो में नहीं, ऐसा अनंत काल तक जिसको अपने में ही, तब वो निर्विकल्प रहता है। यही एकमात्र उपाय है पर से मुक्त होने का, वरना जहां जहां पर गए वहां पर फैलाते गए, गुब्बारा फूलता जाता है, बढ़ता जाता है, फैलता जाता है। अंदर हवा भरते जाओ, गुब्बारा बड़ा बड़ा होता है, एक सुई चुभी कि गुब्बारा फूट गया, फट गया, बस खत्म हो गया। ऐसा ही है, एक 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 एक, एक रुपया जोड़ जोड़ करके पूरी जिंदगी भर अपन संपत्ति इकट्ठी करते। एक समय में ये सब जाने से अनजाना। मैं कहता हूं ना, मधुमक्खी का जो छत्ता, 1 2 3 ऐसे फूल पर बैठ करके वो फूल के रस को चूसती है, और फिर वो मधुमक्खी छत्ता बनाती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, छत्ता बनने में कभी कभी 1 महीना 2 महीना, कभी 6 6 महीने लग जाए। मधुमक्खी का छत्ता बनाने में 6 महीने लग गए। पलटू ने लिखा है कि मैंने एक दृश्य देखा था कि बार बार वो फूल पर जा रही है और फिर छत्ता बनाती, इतनी सारी मधुमक्खियां, और पूरी तरह से वो छत्ता तैयार हो गया। मध बेचने वाला व्यापारी आया, नीचे धुआं किया, मधुमक्खियां उड़ गई और वो छत्ता लेकर चला गया। पलटू कहता है वो दृश्य जब मैंने देखा तब से ही मेरा जीवन पलट गया। वो दृश्य देखते ही मुझे, जहां पर मैं रहता हूं अब मैं यहां पर, अब मैं मालिक होकर के नहीं रहता, अब मैं जहां पर रहता हूं वहां पर घर की घंटी बजाते समय यही विकल्प आता है कि बस मेहमान किसी के द्वार पर खड़ा है। और ये भाव, ये जागृति यदि रहे तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं कि जो दुखी कर सके। जाने से अनजाना एक समय में, जरा विचार करो, ज्ञान दीपक। आज सुबह ही मैंने आप परमात्माओं से यह कहा था, जागो, मृत्यु को नजर के सामने रखो, मृत्यु को जीवन की परीक्षा देखो। परीक्षा हमेशा अंत में आती है, यह मृत्यु भी अंत में आती है, मगर कब आएगी यह पता नहीं है।
कभी भी डाइवर्ट होने की तैयारी रखो इस शरीर में से। जैसे रास्ते पर यात्रा करते हो, डाइवर्जन का बोर्ड आए और फिर दूसरे रास्ते पर चले जाओ, ऐसे ही तैयारी कि अभी मैं जा रहा था यहां से बाजार में और चला गया, एक्सीडेंट हुआ, कि मृत्यु होते ही स्वर्ग में देव बन गया। कहां जाना था और कहां पहुंच गया, मगर जो अपने में ही वास करता है उसे कोई दुख नहीं। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा, क्योंकि मोह का भाव इतना बंधा है कि ऐसा ही लगेगा कि इनके बिना मेरा जीवन कैसे। मगर जरा विचार करो कि ये जब तुमसे नहीं मिले थे तब भी तुम थे या नहीं। माँ बाप कहते हैं कि बच्चों के बिना हम जिएंगे कैसे, मगर बच्चे जब नहीं थे तब इतनी तो जिंदगी जीली थी ना, बिना बच्चे के जी चुके थे। और ये तो इस भव का नहीं, अनंत भव का जीवन परायों के बिना ही हुआ है और अभी भी परायों के बिना ही हो रहा है। कोई किसी के कारण जीता नहीं, स्वयं की सत्ता सबकी अपनी अपनी है। यह मृत्यु का बोध आज मैंने कहा, आज का दिन, आज सुबह ही मैंने सत्संग में कहा था। आपने देखा हो सत्संग के दौरान मैं बीच में रुका था, उस समय मैंने कहा था आज का दिन आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का दिन हो सकता है, परिवर्तन का दिन हो सकता है। इस समय यहां है, अगले समय कहां है यह पता नहीं, बिल्कुल अनजान। मगर ज्ञानी सदैव अपने में वास करते हैं, वो ऐसे ही देह के परमाणुओं को देखते हैं, जिसको अपने ऊपर उठाया नहीं, जिसको अपने साथ में जोड़ा नहीं, खुद को टिका हुआ देखते हैं और बादलों को यात्रा करते हुए देखते हैं। नीचे तुम खड़े हो और आकाश में जैसे बादल बने हो, बादल जाते हैं, बादल गति करते हैं, वो बादल की गति ज्ञानी को यह दिखाई देता है कि हाथ ऐसे हिला तो ये बादल के परमाणु की भांति, मगर मैं ध्रुव चैतन्य तत्व सदैव सत्ता स्वरूप, ये फासला दिखाई दे बादल की भांति। नदी का प्रवाह बहे मगर मैं डूबता नहीं, ऐसा दिखाई दे। और इसलिए निश्चिंत ऐसा निराला अनुभव होगा। फिर घर में रह करके भी ऐसे अलिप्त रह सकेंगे, ये पूर्व तैयारी है। मृत्यु से पहले अमृत की यह तैयारी है। आज सुबह गजपंथा में मैं आत्म साधना में मस्त हूं, ऐसा विचार चल रहा था मैं जम्मू में, मगर विचार चल रहा था कि मैं गजपंथा में हूं। आंखें खुली हो तो जम्मू दिखाई देता है, सपना चल रहा हो तो गजपंथा दिखाई देता है। मगर खुली आंख और बंद आंख, ये आंख से पार होकर के ही देखे तो फिर परमाणु दिखाई ही नहीं देते, एकमात्र चैतन्य दिखाई देता है, शक्कर के दाने की तरह, जैसे बोरी में भरे हो शक्कर के दाने दाने दाने, ऐसे ही एक शक्कर का दाना, दूसरा शक्कर का दाना, ऐसे ही सभी आकार अलग अलग होंगे, मगर सभी में वो चैतन्य 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 ऐसा ही दिखाई देगा। फिर वो बच्चा दिखाई ही नहीं देता, फिर वो बूढ़ा दिखाई नहीं देता, वो विचार ही पहला ही वो भाव आता है कि चैतन्य। आज जम्मू कश्मीर में, जम्मू शहर में ग्रंथाधिराज समय सार की 53वीं प्रत्यक्ष स्थापना हुई।
परोक्ष ज्ञान दीपक के निवास स्थान पर सुबह स्थापना थी, भाविक के निवास स्थान पर। सुबह मैंने कहा था अभी हम यहां हैं, अगले क्षण कहां है पता नहीं। जिनके घर पर सुबह स्थापना हुई, जहां मैं ठहरा था, उन्हीं के निवास स्थान पर स्थापना के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। जिनके निवास स्थान पर अपने प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है, पूनम पदम और रेणु, ये तीन ज्ञान दीपक जो मैंने कहा था ना थोड़े दिन पहले अंबाला में, ये तीन ज्ञान दीपक, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, जिनके पिताजी की अभी थोड़ी देर पहले मृत्यु हुई, पूरा परिवार, मैंने कहा था 42 से ज्यादा सदस्य एक ही परिवार में, आज सुबह के सत्संग में आपने देखा, उनके पिताजी अस्पताल में थे। दोपहर में यह सत्संग का आयोजन था जैन स्थानक में। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कहां जाना होता है और कहां चले जाते हैं, जस्ट बी अवेयर दैट आई एम द सोल एंड सेपरेट फ्रॉम द बॉडी एंड आई एम रेडी टू बी डाइवर्टेड एनी टाइम एट एनी स्पेस ऑफ द यूनिवर्स। सदा तैयारी। अस्पताल में थे, उनकी इतनी भावना थी, मुझे आज सुबह ही बताया कि गुरुदेव खास करके ये जम्मू आए हैं, एक दिन के लिए आए हैं, इसलिए आए हैं कि ये चैतन्य तत्व की पुकार उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उनके कान में पड़े। पूनम और पदम ये दोनों खास इस स्थापना के लिए मुरादाबाद से, लुधियाना से जम्मू आए कि सत्संग होगा, पिताजी का सत्संग होगा। चैतन्य 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 की पुकार जो उनके कान में नहीं पड़ी, ऐसी पुकार पड़ेगी। अभी 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का सत्संग था और 4 बजे सत्संग पूरा होते ही मुझे सीधा अस्पताल जाना था कि एक दूसरा सत्संग अस्पताल में होगा, उन्हें कहूंगा कि ये देह से न्यारा जो चैतन्य है यही मैं हूं। मगर सत्संग प्रारंभ होने से पहले ही अभी समाचार मिल गए कि देह से न्यारा मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये जिसे कहने जा रहा था वह तो यहां है ही नहीं, वह तो किसी और जगह जन्म ले चुके। उनकी यात्रा आगे की, अब वहां कहां ये चैतन्य की पुकार, कहां जन्म हुआ, कैसे माता पिता, कैसी गति, कैसी यौनी। आज सुबह ही मैंने कहा था आज का दिन ट्रांसफॉर्मेशन का दिन होगा। जागो, अवेयरनेस कि जागो, अभी अगला समय नहीं है, पूरी तरह से भर जाओ, पूरी तरह से इस बोध से तुम भर जाओ। महासौभाग्यशाली हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे कान में यह चैतन्य परमात्मा की जो पुकार पड़ रही, वरना बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच जाओ। जिंदगी में कभी जम्मू आना नहीं हुआ, पहली बार यह मौका मिला, उन्हें कभी चैतन्य की पुकार सुनने का यह मौका न मिला। सुनते थे जूम पर,
और इतनी भावना थी कि गुरुदेव आएंगे तो दर्शन करेंगे। पूरा परिवार लेकर के अभी अस्पताल जाने वाला था। मगर जिनके लिए अस्पताल जा रहे थे वो तो है ही नहीं, उनकी पड़ोसन वापिस लौट रही है। चैतन्य परमात्मा की पड़ोसन ये राग की दीवार, जिस राग की दीवार में ईंट और पत्थर तो नहीं है, हड्डी है। जिस राग की दीवार में सीमेंट और रेत तो नहीं है, मांस मज्जा है, ऐसा ये शरीर, इसे बोध लो। कितने लोगों का यहां पर खास सत्संग में आना था, हमारा चलता क्या है? हम कहते इतना प्लानिंग किया था, कितने दिन से तैयारी कर रहे थे। अभी जैन स्थानक में जहां सत्संग के लिए हम तैयारी कर रहे थे, 3 घंटे पहले ही यहां बैठना है, यहां कंप्यूटर रखना है, यहां लोग आएंगे, यहां बैठेंगे, कोई विकल्प काम में नहीं आते। और इसलिए जो एक घटना से बोध ले ले, घटना एक हो मगर एक घटना से बोध लेकर के, ऐसा पहली बार हुआ होगा। ऐसा व्यक्ति जिनकी 3-3 बेटियां और जिनका पूरा परिवार प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, परोक्ष ज्ञान दीपक, ये तो अपना परिवार, मगर फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि सुबह का सत्संग वो यहां रह करके नहीं सुन पाए। उन्होंने जूम पर लाइव सुना था आज सुबह का सत्संग। भावों से उनके पास ये चैतन्य की पुकार पहुंची थी। अस्पताल में उन्होंने जूम का सेशन मोबाइल पर देखा है। क्या लेकर जा रहे? मैंने आज सुबह ही मां का दृष्टांत दिया था कि मरते समय मां कहे, बेटा तू इसे छोड़ना मत, और गया। मां गई यहां से, आत्मा चला गया यहां से। अंतिम घड़ी के जो परिणाम है, भाव है, वो अचानक ऐसे नहीं, पूरे जीवन भर की साधना का परिणाम होगा। अचानक नहीं होगा, जीवन भर युद्ध और लड़ाई और झगड़ा यही किया वही याद आएगा। जीवन भर दुकान संभाली है, मरते समय दुकान याद आएगी। पत्नी के साथ तन्मय रहा, पत्नी के विकल्प आएंगे। इसलिए अभी से ही जागृति कि सत्संग के अतिरिक्त अब और कुछ भी नहीं। मेरी संगति हो तो ऐसे ही लोगों के साथ में जहां चैतन्य की चर्चा होती हो, बस सिर्फ चैतन्य। जिन्हें नहीं मिला उन्हें पता है, उस आत्मा से पूछो। आज सुबह उनकी इतनी भावना थी कि कब मैं उनके पास जाऊं और चैतन्य 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 की पुकार करूं। आमने सामने बैठे, बिल्कुल पड़ोस में बैठो, मेरा हाथ उनके हाथ के ऊपर हो और उनको स्पर्श ना हो, जो मैं कहता हूं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मगर अब उस पर हाथ रखने से भी कुछ ना होगा, हाथ क्या आग रखने पर भी कुछ ना होगा। हे ज्ञान दीपक तुम जागो। आज का ये दिन जीवन का एक यादगार दिन रहेगा। पता नहीं इस बोध को भूल मत जाना। समय बीतता है, मृत्यु को भूल जाते। मैं कहता हूं मृत्यु को याद रखना। इसलिए अब बहुत ही निकट काल में मैंने जो कहा स्मशान में, इसलिए मैं ज्यादा रहता हूं। गजपंथा मुझे बहुत याद आ रहा है अभी, गजपंथा का स्मशान। मैं जा रहा हूं वहां,
जहां मैं रात को सोता हूं 2 बजे 3 बजे, चिता के ऊपर वह चिता ही मुझे स्मरण में आ रही है। कहां काश्मीर सुबह स्वर्ग था और अभी नरक जैसा दुखमय लगता है। सुबह का सत्संग उस समय काश्मीर कैसा, पूछा तो कहा कि स्वर्ग है, मगर वही काश्मीर नरक बन गया। काश्मीर न तो स्वर्ग है न तो नरक है। स्वरूप में वास हो तो चैतन्य के अतिरिक्त कुछ नहीं, कोई काश्मीर नहीं है। तुम एक बच्चे की भांति ही रहते हो। जो बच्चा बस दूध पीता है उसे पता ही नहीं है कि मैं कौन से कमरे में हूं, मैं महल में हूं या झोपड़ी में हूं, विकल्प ही नहीं आता, कोई भाव नहीं आता। इसलिए तो जब अनुभूति होती है तब वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, या कौन सा देह है या फिर हमारा जैसा देह है, वो विकल्प ही नहीं आता, वो अलग हो जाता है। जैसे मिठाई को कागज के ऊपर रखा हो ना, और वो कागज के ऊपर ऐसी मिठाई आती है पूरा कवर करके ढकी हुई है कागज से, जीभ के ऊपर रखो स्वाद नहीं आता, और जैसे ही उसको अलग करके जीभ पर रखा वो जो मिठास का अनुभव होता है, उस समय कागज तो वहां पास में होगा मगर वहां विकल्प नहीं आता कि कौन सा कागज है, कैसे रंग का है, कैसा उसका मटेरियल है। जब ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है तब यह देह के परमाणुओं का विकल्प ही नहीं होता। फिर खून तो दौड़ता है शरीर के भीतर, मगर परिणति दौड़ती है स्वरूप के अंतर में। अंतर में परिणति स्वरूप के अंतर में दौड़ती। आज इस घटना से, आज ही स्थापना का दिन, धन्य भाग्य समझो। आपके पिताजी के होते होते आपके घर में 2000 बरस पुराना आचार्य कुंदकुंद देव का ग्रंथाधिराज समय सार आया, जिससे आप तक, आपके बेटे तक, आपके बेटे के बेटे तक ये आपकी पीढ़ी में ये वितराग वाणी पहुंची। पिताजी तो आज याद है कल भूल जाएंगे, कौन याद रखता है। लोग अपने बेटे के लिए, बेटे के बेटे के लिए संपत्ति इकट्ठी करते हैं उनके लिए। तुमने कभी सोचा है तुम्हें अपने पिता का नाम याद है, उनके पिता का नाम, फिर उनके पिता का नाम, फिर उनके पिता का नाम, 3 4 5 बस उसके आगे कोई एकाद होगा जिसको 7 पीढ़ी के नाम भी याद होंगे आज के इस जमाने में। और अब तो और बुरा काल आ रहा है। यदि तुमने अपने पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता का नाम याद नहीं रखा तो तुम्हारे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे तुम्हारा नाम कैसे याद रखेंगे कोई। और जो तुम्हारा नाम तक याद नहीं रखता, तुम उसकी फिक्र करते हो कि मैं बच्चों के लिए सब छोड़कर जाऊं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाऊं, जिसको पता ही नहीं है कि आप कभी यहां थे। मोह में फंस करके ही, कर्म की गठरिया बांध करके ही उसके बोझ को फिर नरक निगोद में लेकर भटकते हैं। एक अवसर है पुराने कर्ज को चुकाने का, नया कर्ज न चढ़ाने का। यदि नया बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा और पुराना विड्रो होता जाएगा तो एक बार अकाउंट जीरो हो जाएगा। यदि नए कर्म आत्मा में नहीं आएंगे और पुराने कर्म खाली होते जाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब पूर्ण रूप से मुक्ति का अनुभव होगा। आज प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक
पूनम पदम और रेणु इनके पिताजी और भाविक जो परोक्ष ज्ञान दीपक सौरभ उनके दादा नाना ये पूरा परिवार ऐसे ज्ञान दीपक के रूप में ये साधना करते हैं, मगर आज जब ये मृत्यु हुई उनके मुंह से पहला वाक्य ये निकला, मैं आनंदित हूं। उन्होंने पूछा, यही तो परीक्षा कही थी ना, इसमें कैसे जागृति रखी जाए ये कहो। अपने पिता की मृत्यु हो और बेटी ये पूछती हो, वरना बेटी का हृदय तो और कोमल होता है, बेटा तो चलो स्वीकार भी कर ले, मगर बेटी और ऐसी स्थिति में रोना धोना मैंने उस तरह से देखा नहीं। लोग कहे इनको रोना नहीं आता होगा, मगर वो जिस तरह से पूछ रहे थे, कह रहे थे कि ऐसी स्थिति में अब जागृति कैसे रखें। उन्होंने भाव से गुरुदेव आपकी पुकार को सुन लिया, अंतर की भावना थी वो चैतन्य। उनके भाई दो दो भाई, उनका पूरी परिवार जो अस्पताल में था वो मोबाइल लेकर के सब लोग वहां पर सुन रहे थे जो मुझे यहां दिखाई दे रहे थे। वही भाव की कंटिन्यूटी, वही भाव आगे चलता रहेगा, क्योंकि इस भाव में तो मां बाप बच्चों को सिखाते नहीं, फिर भी बच्चे जो वासना सीख करके आते हैं वो कहां से आते, पूर्व भव के संस्कार ही तो है। परम कृपालु देव ने ये कहा, सांप के अंदर जो क्रोध है वो क्रोध कहां से आया, किसने सिखाया। पूर्व भव का संस्कार इस जन्म में इस पतंग के साथ में ये धागा इस तरह से बन जाए कि कितनी भी पतंग दूर जाए ये धागा न छूटे। ये चैतन्य तत्व के संस्कार ऐसे दृढ़ हो, यदि दिमाग से सुना होगा तो फिर यही का रह जाएगा। इसलिए कहता हूं दिमाग को खोपड़ी लगा करके यहां मत बैठना, हृदय से सुनना, स्टोर मत करते जाना, शब्दों को लिखते मत जाना, शब्दों को इकट्ठा मत करना। जब मैं कहता हूं कि मैं चैतन्य, उस समय तुम्हें ऐसा अनुभव हो कि चारों ओर तुम्हें परमाणु 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 इतने दूर दिखाई दे और सेपरेट दिखाई दे, फासला दिखाई दे, जैसे नदी का ये किनारा और वो किनारा, जैसे आकाश और जमीन कभी मिलते हुए तुम्हें दिखाई ही न दे, ऐसे ही है शरीर। मगर वो कैसे होगा, लक्षण से होगा, कभी मिलना हो ही नहीं सकता। नींबू कभी गुड़ से मिल नहीं सकता, कि नींबू गुड़ से तब मिलेगा यदि खट्टापना मर करके मीठापने में चेंज हो जाए, तो है वो नींबू गुड़ से मिल गया, मगर स्वभाव बदलता नहीं। अनित्यता का बोध तो फिर अभी जागृति रहेगी, अभी जो मिला वह भी ऐसा दिखाई दे कि कुछ भी नहीं मिला। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि जो मिला है वो सब जाने वाला है, और ज्ञानी ये कहते हैं कि कुछ भी मिला हुआ नहीं तो क्या जाएगा। अज्ञानी कहता है कि घर मिला है चला जाएगा, ज्ञानी कहते हैं ज्ञान के दर्पण में घर का प्रतिबिंब पड़ा है, जो मिला नहीं है प्रतिबिंब पड़ा है, जो मिला ही नहीं है तो कहां चला जाएगा। जो मिला ही नहीं है वो जाएगा कहां,
इसलिए दर्पण में से तुम वस्तु को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि है ही नहीं। सदा अपने को ज्ञान दर्पण स्वरूप अनुभव करो, तब तुम्हें बंधन न दिखेगा, दर्पण सदैव मुक्त दिखेगा, दर्पण फंसा हुआ नहीं दिखेगा। भीड़ में भी भले भीड़ में जाएगा, दर्पण हाथ में लेकर के जाओ, मगर तुम्हें दर्पण स्वच्छ है बस। वो बंधा हुआ, फंसा हुआ, कीचड़ वाला, भीड़ वाला ऐसा दिखाई नहीं देगा दर्पण। और उसको छुओगे तो वहां स्वच्छता ही है। ऐसे ही ज्ञान का अनुभव हो, तो ज्ञान का अनुभव होने पर फिर तुम जमीन पर नहीं हो, क्योंकि तुम देह नहीं हो। पैर जमीन पर होंगे, मगर जब तुम पैर में ही नहीं हो तो जमीन पर कैसे रहोगे? ऐसी स्वभाव की अनुभूति हो, आया और वह गया, वह भी बाहर में, भीतर नहीं। एक शिष्य को गुरु ने ज्ञान दिया, ज्ञान दे करके फिर शिष्य को जाने का समय हो गया। गुरु दक्षिणा का समय हुआ, शिष्य के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। शिष्य ने गुरु से कहा कि आज तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, मगर कभी मेरे पास जो कुछ भी आएगा वो मैं आपको दे दूंगा, ये वचन देता हूं, जो भी मेरे पास आएगा वो आपको दे दूंगा। नमस्कार करके वो चला गया। कुछ साल बाद एक बार ऐसा हुआ कि राजा निकले और इस आदमी ने एक जगह देखा कि आगे तो सांप है। इसने राजा को बता दिया कि आगे सांप है, आप मत जाना। राजा ने कहा हो सकता है ये मजाक करता हो। उसने अपने मंत्रियों को, वजीरों को कहा तपास कराओ कि वहां सांप है या नहीं, और सांप निकला, सच बोला था ये। राजा खुश हो गए, उसने कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं, तूने तो मेरी जिंदगी बचाई, ये महल आज से तेरा, ये सब कुछ तेरा। ऐसा होता है, पल भर में क्या से क्या मिल जाए। अभी थोड़े दिन पहले मैं नासिक में था, रास्ते पर मुझे बताया एक लड़की छोटी सी 3 साल की, माँ बाप ने रास्ते पर छोड़ दिया था, बाप तो कहीं चला गया था, माँ ने भी छोड़ दिया रास्ते पर, माँ 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 करती करती जा रही थी। उस समय मैं वहीं पर ही था, उसको जो अनाथाश्रम है, अनाथालय, वहां पर उसको भेजा। उसी दिन स्वीडन से एक पति पत्नी आए यूरोप से, उसने इसको गोद लिया और वो लेकर चले गए। यहां क्या खाए, क्या पिए, कहां रहे, वहां पर इतने करोड़ों का वीला कौन मेहनत करके पाता है? ये सब उदय के परिणाम है, इतना बोध हो जाए, और ये बोध हो कि उदय भी स्वरूप में नहीं मिला, ऐसा मैं चैतन्य, तो आनंद की अनुभूति होती है। उस आदमी को भी राजा से महल मिल गया था, राजा की जान बचाई थी, खुश हो गया कि महल मुझे मिल गया। मगर तभी उसे याद आया मैंने गुरु को वचन दिया था कि जो भी मिलेगा वो मैं आपको दे दूंगा। तुरंत ही फिर ऐसा भाव आया, ठीक है महल है तो है, क्योंकि जब महल आता है तब भी उसे ये दिखाई दिया ये तो जा रहा है, फिर रस नहीं रहता महल में कि इसका रंग कैसा है। वस्तु आए तब जाते हुई दिखाई दे, ये दुनिया कहती है, मैं ये कहता हूं आई ये भी तुम्हें न दिखाई दे। कहां आई? मेरे अंदर आई, पड़ोस से आकर के गुजर जाती है, मेरे भीतर तो आते ही नहीं है, ऐसा मैं चैतन्य परमात्म तत्व हूं। हे ज्ञान दीपक तुम जागो, अभी बेहोशी है तुम जागो। अभी कहते हैं कि हम रहते हैं यहां लोगों के साथ में, जिंदा के साथ में। एक फकीर ऐसा ही था, जिस फकीर को किसी ने पूछा, रास्ता पूछा कि हमें गांव में जाना है, गांव में बस्ती है, उस बस्ती में जाना है, गांव में बस्ती है, बस्ती में जाना है, आगे जाकर के कहां जाए? फकीर ने कहा
बाई दिशा में आगे जाकर के मुड़ जाना। वो गए आगे सीधे और बाई दिशा में जाकर के मुड़ गए, मगर वहां तो गांव था ही नहीं, लोग भी नहीं रहते थे, स्मशान था। फिर वापिस आए, चौराहे पर किसी को पूछा कि बस्ती किधर है। उस आदमी ने कहा कि यहां दाई दिशा में जाओ, दाई दिशा में गांव था, लोग थे। मगर यह आदमी इतना बिगड़ा कि फकीर के पास गया, क्योंकि झूठा जवाब दिया था कि मैंने यह पूछा था बस्ती किधर है, आपने तो कह दिया स्मशान, स्मशान का रास्ता दिखा दिया। उस फकीर ने कहा मैंने जो रास्ता दिखाया था वो सच्चा था, क्योंकि तुम जिसे बस्ती कहते हो वो बस्ती है ही नहीं, वहां तो आत्मा की पहचान किए बिना मुर्दे हैं, वहां स्मशान ही है। और बस्ती तो वहां जो स्मशान, क्योंकि वहां जो जाकर बस गया वो बस जाता है, फिर कहीं नहीं जाता, इसलिए मैं स्मशान को बस्ती कहता हूं, और जहां बस्ती है वहां मुर्दों का ढेर कहता हूं। जिसने आत्मा को नहीं पहचाना, ऐसी भीड़ के बीच में ज्ञानी को मुर्दे के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी यही कहते थे, जिसने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना वे जिंदा मुर्दे हैं, और मुर्दे को देख करके कैसा भाव आता है, करुणा का भाव आता है। सड़क पर भी जा रहे हो, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, कैसा लगता है, मुर्दा। इसलिए ज्ञानी की करुणा निष्कारण करुणा है। आज का दिन आप जम्मू वासियों के लिए, जुम्मा का दिन, जम्मू जुम्मा और जुम पर कैसा ये कनेक्शन। मुझे मना किया गया था कि जम्मू अभी नहीं आएंगे तो अच्छा रहेगा, मगर मैंने कहा मैं आऊंगा, आज के दिन ही स्थापना रखेंगे। अभी अभी मुझे किसी ने पूछ लिया कि स्थापना करने का मृत्यु के साथ कोई कनेक्शन है, जैसे मैंने स्थापना करके कोई मंत्र फूंक दिया हो। यही कनेक्शन है कि मरने से पहले तुम जाग जाओ, समय सार देह में से निकल जाए, उससे पहले समय सार तुम्हारे घर के अंदर आ जाए। हे ज्ञान दीपक, जम्मू कश्मीर की ये यात्रा, अभी मैं यहां जम्मू में बैठा हूं, मुझे नहीं पता मैं अगले क्षण कहां जाऊंगा। मगर जागृति कि मैं जहां जाऊंगा वहां जाऊंगा नहीं, क्योंकि जिसमें गति नहीं ऐसा ध्रुव स्वरूप चैतन्य यह मैं हूं, जो अपनी जगह से खिसकता नहीं, जो हिलता नहीं, ये हाथ हिले वो नहीं, वो ध्रुवता चैतन्यपना, चैतन्य थोड़ा हिल करके जड़ हो जाए, थोड़ा सा जड़ हो जाए तो मैं मानू कि थोड़ा हिलना हुआ, मगर वो तो चैतन्य ही रहता है, इसलिए मैं डोलता नहीं, मैं खिसकता नहीं। जो चैतन्य से जड़ता रूप हो जाए, जो रंग वाला हो जाए, रूप वाला हो जाए, तो मैं मानू कि मैं खिसक गया, मगर चैतन्य स्वरूप रहता हूं, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा आप समस्त ज्ञान दीपकों को, चौथा गुणस्थान प्रकट हो 4 बजे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, भेद विज्ञान हो, पुनः पुनः हम पुनम पदम और रेणु और सभी उनके परिवारजन, उनके लिए मंगल प्रार्थना करते हैं, भावना भाते हैं कि आज की ये घटना उनके जीवन में एक
ट्रांसफॉर्मेशन की घटना है। इस मृत्यु से बोझ लेकर के उनके जीवन में तो परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, जो आत्मा यहां से चला गया, मगर इतना है कि यह घटना से हम जाग जाए और हम अंतर की यात्रा करें। ऐसी घटना होने के बावजूद भी मैंने सत्संग कैंसिल नहीं किया, क्योंकि आप सबको संदेश पहले से पहुंचा दिए थे। ये देखो कनाडा में आधी रात को भी बैठ करके सुनने वाले, अमेरिका में, इसलिए यह सत्संग मुझे आज छोड़ना नहीं था, कैसे भी करके यह सत्संग रखना था, क्योंकि क्षणिक का बोध जब लोहा गर्म हो उस समय यदि मोड़ना चाहो तो मुड़ सकता है। मृत्यु के काल में आत्मा ऐसा ही होता है, परिवर्तन आ सकता है। मृत्यु न होती तो जगत में धर्म न होता। हे ज्ञान दीपक, आप समस्त परमात्माओं ने मुझे यहां आमंत्रण दिया, सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो